आज सुनाते हैं भेड़िये और सारस की कहानी। जंगल में एक दुष्ट और लालची भेड़िया रहता था। एक दिन उसने एक हिरण का शिकार किया। शिकार के बाद पर वह अपने लालच पर नियंत्रण नहीं रख पाया और जल्दी जल्दी उसे खाने लगा। इस जल्दीबाजी में एक हड्डी उसके गले में अटक गई। हड्डी अटक जाने पर वह बहुत परेशान हो गया। अब उससे न कुछ खाते बन रहा था न ही पीते। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह हड्डी उसके गले से निकल जाए, लेकिन सारी कोशिश बेकार गई। अंत में उसने किसी से सहायता लेने का विचार किया। वह सोचने लगा कि ऐसा कौन है जो उसके गले से हड्डी का टुकड़ा निकाल सकता है। कुछ देर सोचने पर उसे सारस का ध्यान आया। सारस की लंबी गर्दन और चोंच थी। वह उसके मुंह में अपनी चोंच घुसाकर आसानी से हड्डी निकाल सकता था। बिना देर किए भेड़िया सारस के पास पहुंचा और बोला, सारस भाई, मेरे गले में एक हड्डी अटक गई है, क्या तुम अपनी चोंच से वो हड्डी निकाल दोगे? मैं तुम्हारा बहुत आसानमंद रहूंगा और तुम्हें उचित इनाम भी दूंगा। सारस पहले तो भेड़िये के मुंह में अपनी चोंच डालने से डरा, लेकिन बाद में उसे भेड़िये पर दया आ गया और वो तैयार हो गया। भेड़िये मुंह खोलकर खड़ा हो गया और सारस ने उसमें अपनी चोंच डाल दी, लेकिन उसकी चोंच हड्डी तक नहीं पहुंच पाई। तब उसे अपनी आधी गर्दन भी भेड़िये के मुंह में घुसानी पड़ी। सारस की गर्दन मुंह में जाते ही लालची भेड़िये के मन में लालच जागने लगा। उस सोचने लगा कि यदि मैं इसकी लजीज गर्दन को चबा पाता तो मजा आ जाता, लेकिन उस समय उसे अपने गले में फंसी हड्डी निकलवानी थी, इसलिए वह मन मार कर रह गया। कुछ ही देर में सारस ने उसके गले से हड्डी निकाल दी। हड्डी निकलते ही भेड़िया जाने लगा। न उसने सारस को धन्यवाद दिया न ही इनाम। सारस ने उसे रोक कर कहा, मेरा इनाम कहाँ है? तुमने कहा था कि तुम इस काम के बदले मुझे इनाम दोगे। भेड़िया बोला, एक भेड़िये के मुंह में अपनी गर्दन डालकर भी तुम सही सलामत हो, क्या ये तुम्हारा इनाम नहीं है? इतना कहकर भेड़िया चला गया और सारस मुंह लटकाकर खड़ा रह गया। कहानी से सीख, लालची और दुष्ट व्यक्ति से कभी कृतज्ञता या पुरस्कार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए।